हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसौढ़ी में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टेटिक चैप्टर हमारा शुरू था। जो बच्चे अभी पहला वीडियो देख रहे होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे जो वीडियो जितना भी डाला हुआ है वो आप देख के आइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और कूलम्स लॉ हम लोग ने देख लिया था। कूलम्स लॉ में वेक्टर का यूज होता है। पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टेटिक में वेक्टर आपको आना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फोर्स आएगा, तो बिना वेक्टर के काम नहीं चलेगा। वेक्टर के बारे में आपको हम ऐसा पिछले क्लास में बोले थे कि अगर वेक्टर आपको नहीं आता है तो बताइएगा, तो हम वेक्टर डिटेल में करेंगे। कुछ बच्चा बोला कि वेक्टर सर आना चाहिए, नहीं आता है, तो आज का जो वीडियो है वो हम वेक्टर पे बना दे रहे हैं, क्योंकि आपको कूलम्स लॉ में कोई दिक्कत ना हो या इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे डिटेल में नहीं, जितना भी हमको काम है उतना ही हम वेक्टर पढ़ा दें। इसके बाद तीन से चार दिन बाद 9th का, 10th का, 11th का आपका वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो 11th जब स्टार्ट होगा तो जिसको वेक्टर पढ़ना है 11th का स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर ही पढ़ाया जाता है या हम भी पढ़ाते हैं, तो वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल जितना इलेक्ट्रोस्टेटिक में काम आएगा उसका सीख लीजिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना। और ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर वीडियो से आपको समझ आता है तो वीडियो को शेयर करिए, जरूरी है। अगर आप जितना शेयर कीजिएगा उससे ऑडियंस इंक्रीज करेगा, ऑडियंस इंक्रीज होगा तो हम लोग का जो मोटिवेशन है थोड़ा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं पब्लिक लाइक कर रहा है। तो अगर वीडियो आपको समझ आता है, पढ़ाई से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो इसको शेयर करने में शर्म मना ना कीजिए। इसको आप शेयर कर सकते हैं, बहुत लोग का भला हो सकता है। ऐसे भी समय खराब चल रहा है बिना एजुकेशन के, देखो कि अभी इंडिया का हाल क्या है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को सोचकर, बस यही बात सोचकर कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप शेयर करने का आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर को लेके है, तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर को अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं हम लोग सदिश, ठीक है। जब वेक्टर आ रहा है तो साथ में स्केलर भी आएगा। स्केलर का मतलब होता है अदिश। नाम से पहले समझ लो कि वेक्टर है क्या। तो वेक्टर का मतलब होता है, देख रहे हैं, वेक्टर का मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। नाम से देखो तो सदिश, सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। तो जिस वैसा भी फिजिकल क्वांटिटी, वैसा कोई भी भौतिक राशि जिसके साथ दिशा हो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सदिश है। अब दिशा के साथ क्या हो, तो परिमाण तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, तो एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वेक्टर। स्केलर किसको कहेंगे, तो स्केलर का मतलब होता है अदिश, अदिश का मतलब होता है दिशा के बिना, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, स्केलर। तो ये दोनों का मीनिंग क्लियर है। अब वेक्टर में हम इलेक्ट्रोस्टेटिक के ख्याल से बात करें तो हमको क्या क्या आना चाहिए, तो देखो दो तीन जो टर्म है वेक्टर में ये आपको आना जरूरी है, तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला जो चीज है वेक्टर क्या होता है, समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ लेंगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट का मतलब दिखाएंगे कैसे, तो इसको आप समझ लो। सबसे पहला यही चीज है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड, पहला को हम बोलते हैं पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब होता है फोटो से, फोटो से दिखाएंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि फोटो बना के उस डायग्राम बना के इसको हम दिखाएंगे वेक्टर को, तो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पिक्टोरियल। और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल। इसमें इंक खत्म हो गया है, आप एक मिनट वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसके बाद चालू होगा। दूसरा जो मेथड है हमारा उसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली टू मेथड, पहला को बोलेंगे पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब फोटो अच्छे बना के डायग्राम बना के दिखाएंगे, और दूसरा को मैथमेटिकली हम लिखेंगे, तो वो दो रिप्रेजेंटेशन होगा। दोनों को सीख लीजिए, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं। तो जैसे मान के चला कोई बोला कि कोई वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर को बोला कि वी वेक्टर है, जो वेलोसिटी है। अगर ये ऐसे बोला कि वी वेक्टर है, इसका मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा, तब ये वेक्टर लिखा जा रहा है। ये वेक्टर को दिखाने का तरीका है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वो वेक्टर है तो ऊपर में क्या मार दो, एरो, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर हम बोले कि वेक्टर भी वेक्टर नहीं है तो केवल भी लिखते, लेकिन अगर भी वेक्टर है तो ऊपर में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे।
तो ये हो गया। तो अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मान लो पिक्टोरियल, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एक एरो बना देना, ठीक है? ये एरो ही रिप्रेजेंट कर देगा इस वेक्टर को। कैसे? तो भी वेक्टर है, भी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई और डायरेक्शन होगा। तो देखो जो लेंथ है एरो का, इसका कुछ लेंथ होगा ना एल, तो जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड को बताएगा, और जो एरो का डायरेक्शन है ये हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। कि ये वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे? तो एरो से दिखा देंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यही वेक्टर भी है, इसको को मैथमेटिकली लिखना है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैथमेटिकली में मॉड को लगा दो वेक्टर में तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जो वेक्टर इसमें अगर मॉड लगा दे तो ये किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। बचा क्या? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम एंगल से दिखा सकते हैं कि मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री के एंगल पे है, या थीटा से दिखा दो, या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल यहां से हम डायरेक्शन थीटा दिखा रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि वेक्टर भी ये वाला था और यहां से एंगल थीटा था, तो इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे? कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोल सकते हैं ना कि थीटा एंगल। तो ये थीटा क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, पिक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा कि दो तरह से होता है। अब आते हैं कि अगला चीज हमको क्या काम का है। तो अगला जो काम का है उसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है? एडिशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। आराम आराम से सिखा रहे हैं, आप ढंग से बस देख लेना वीडियो, आप सीख जाओगे। एडिशन का मतलब जोड़ना, वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने का दो तरीका, पहला को बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये डबल सिंबल का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और पहला ट्रायंगल लॉ। अब ये दोनों लॉ को समझ लो, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ, कि ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ये आपको आना जरूरी है। चीज छोटा है, बेसिक बात है, लेकिन बिना इसके कूलम्स का सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए मान लो कि आपके पास दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इधर ही दिखा देते हैं कि दूसरा वेक्टर बी, इस बी वेक्टर का डायरेक्शन मान लो कि थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, और ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ से बात करते हैं, किससे? ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल क्या कहता है? कि दोनों वेक्टर को पिक्टोरियली इस तरह से जोड़ो कि ये दोनों ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड बन जाए। जोड़ते समय ये ध्यान रखना कि एक का हेड तो दूसरा का टेल जुड़ना चाहिए। जो एरो जिस डायरेक्शन में, इसको हेड बोलेंगे, और जो बैकवर्ड है उसको टेल बोलेंगे। ये टेल है और ये हेड है। तो ट्रायंगल में क्या सिखाया गया? कि दोनों वेक्टर को पिक्टोरियली आप जोड़ो। तो देखो ऐसे जोड़ते हैं, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। इस तरह से जोड़ो कि दोनों जो साइड है किसी भी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड बन जाए। तो बन गया, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल। कंडीशन क्या था? कि एक का हेड आना चाहिए तो दूसरा का टेल आना चाहिए। तो एक का हेड और दूसरा का टेल दिख रहा होगा। अब इसका डायरेक्शन को आप देखो कि ए और बी जब जोड़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन का मतलब हम बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ट्रायंगल का तीसरा साइड बच रहा है तो तीसरा साइड रिजल्टेंट देता है। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन देगा। अगर दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो दोनों को इस तरह से जोड़ दो कि दो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे। और कंडीशन क्या है? एक के साथ हेड, एक का टेल होना चाहिए, तब ये काम सही होगा। तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा जिस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड का ले लो, तो ये हमारा क्या बनेगा? रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को जोड़ने के लिए सिंपल तरीका, दोनों को डायग्राम से जोड़ो। जोड़ते समय यह ध्यान रखना कि एक का हेड जुड़ रहा है, दूसरा का टेल जुड़ रहा है, दोनों का जिस डायरेक्शन में होगा तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में लेना। जो तीसरा साइड होगा ये हमारा एडिशन देगा। एडिशन का मतलब दोनों वेक्टर का समेशन देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर हुआ? अब यहां से हमको चाहिए क्या? कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड देखो, हम इसका फॉर्मूला भी प्रूफ नहीं कर रहे, फॉर्मूला ऐसा प्रूफ होता है 11 जब स्टार्टिंग हुआ तो वेक्टर में वहां पे किया जाएगा। आप फिलहाल फॉर्मूला को याद रखना काम हो जाएगा इसका। अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, सी वेक्टर में क्या लगा दिया? मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का, एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन ए और बी, ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, यहां पे हम थीटा में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये वेक्टर का एडिशन का ये फॉर्मूला है। ये हुआ ट्रायंगल। दूसरा को समझ लेते हैं,
दूसरा को बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है, ट्रायंगल लॉ से जुड़ेंगे तो वेक्टर सी का वैल्यू इतना आएगा, आप पैरेललोग्राम से जुड़ेंगे तो क्या अलग आ जाएगा? तो नहीं, ये मेथड है दो तरह से जोड़ने का, बाकी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आप रख लो, काम हो जाने वाला है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बताओ कि रिजल्टेंट नेट कितना होगा, टोटल कितना होगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, पैरेललोग्राम को भी देख लीजिए कि क्या होता है। इसमें क्या बोलता है कि दोनों वेक्टर को जोड़ो, लेकिन इस तरह से जोड़ो कि दोनों का टेल आना चाहिए। देखो दोनों का टेल आ गया, वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर था, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे थीटा, अभी वो हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, तो भी थीटा एंगल पे अभी है, दोनों जुड़ गया टेल टेल। यहाँ पे कौन कौन जुड़े? टेल टेल। ट्रायंगल में कौन जुड़ेंगे? हेड और टेल। अब क्या करो कि पैरेललोग्राम को इसको एडजेसेंट साइड मानो, मतलब पैरेललोग्राम का ये दो साइड हो गया अगल बगल, अभी दोनों को मान के पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। ऐसे मान सकते हैं कि जितना वेक्टर ये है इसके पैरेलल में वेक्टर ये वाला हो गया ए, और ये जो वेक्टर बी था ये वेक्टर हो गया बी। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब ये दोनों के बीच से जो डायगोनल निकलेगा ये डायगोनल हमको एडिशन देगा, मतलब रिजल्टेंट देगा। तो वेक्टर सी बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या इसका मॉड लगाएंगे तो फिर से अलग वैल्यू आएगा? तो नहीं, फिर से वही वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है क्या? डायरेक्टली हम वेक्टर को बोले कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो बटा वेक्टर सी क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस बी होगा? तो हमेशा सही नहीं होगा, एक कंडीशन में सही होगा लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। तो जब भी एक कंडीशन वाला को हम अप्लाई कर लेंगे तो नहीं, हमेशा जो सब जगह लागू है, सब जगह अप्लीकेबल है, उस फॉर्मूला को हम ध्यान में लेके चलेंगे। अगर इसको ध्यान में रहेगा तो ये भी सही आएगा, लेकिन अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो बाकी सब गलत हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन का जोड़ने का फॉर्मूला याद कर लो, यहां से ये काम आने वाला है कॉलम्स लॉ में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको क्लियर कर लो तो और आसान हो जाएगा, यही दो चीज का यहां पे यूज होने वाला है कॉलम्स लॉ में। अगला जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट का मतलब है यूनिटी से, यूनिटी का मतलब वन, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो और जो डायरेक्शन बताता है, वेक्टर लगा हुआ है तो डायरेक्शन तो होगा, तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और जो डायरेक्शन बताता हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसी में दिया गया है कि एक और वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, तो ये दोनों का देखो डायरेक्शन सेम है। अगर एक तीसरा वेक्टर हम दे दें कि मान के चलो एक वेक्टर है जिसका नाम है कुछ सी, तो कोई बोले कि इसको रिप्रेजेंट करो, सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, लिखने के मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, इसका मॉड लगा लो और साथ में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब यहां पे हम थीटा से दिखा देते हैं। अब थीटा इंटू वन लिख दे कोई फर्क पड़ जाएगा? थीटा बताओ हॉरिजॉन्टल है तो थीटा का मतलब जीरो है, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हुआ, और साथ में क्या लिख दिए? वन। अब ये दोनों के जगह पे क्या हम सी कैप लिख सकते हैं? अब सी कैप लिख दो, यहाँ पे बी कैप लिख दो या ए कैप लिख दो, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन तो सेम है। यहाँ पे थीटा इंटू वन, तीनों का थीटा देखो जीरो, यूनिटी एक से गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो थीटा इंटू वन है यही क्या है? यूनिट वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना? वन, और जिसका डायरेक्शन कितना? एंगल थीटा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जैसा वेक्टर वैसा यूनिट वेक्टर, अगर ए ले रहे हैं तो ए कैप, बी ले रहे हैं तो बी कैप, और सी ले रहे हैं तो सी कैप। तो यहां से बताओ सी कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये भी तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, उसके वेक्टर में किससे डिवाइड करेंगे? तो उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। अब यहां पे कैसे अप्लाई करना है तो देखिए कूलम्स लॉ पे आ जाते हैं। एक था क्यू वन, एक था क्यू टू। पोजिशन वेक्टर क्या लिया गया था? आर वेक्टर। यहां पे फोर्स एक लग रहा था, एफ वन इधर और एक एफ टू इधर लग रहा था। अगर हमको फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एफ वन बराबर फॉर्मूला क्या था? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये फोन का जो डायरेक्शन है आर के डायरेक्शन में, तो अभी अभी क्या बताए कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है दूसरा को लिखना है तो किसी का डायरेक्शन लिखा दो, एक ही बात है क्योंकि सब तो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो जिस डायरेक्शन में एफ वन है उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ वन का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या ऐड कर देना? आर कैप। आर कैप क्या हुआ? आर कैप का मतलब है एंगल थीटा इंटू वन, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना? वन, और थीटा क्या बता रहा है? डायरेक्शन। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आर कैप लिख दिए। अब यहां से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टेप और आगे ऐसे बढ़ सके लिखा जा सकता है आर स्क्वायर आई टू आर कैप की जगह पे क्या लिखेंगे? सी कैप की जगह सी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आर कैप की जगह आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड।
अभी आर स्क्वायर इंटू आर मैग्नीट्यूड है तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये फोन वेक्टर प्रॉब्लम लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर क्यू आई इंटू आर वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन कैसे हुआ समझ में आया होगा, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर में तीन स्टैंडर्ड वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर में तीन स्टैंडर्ड वेक्टर होता है। कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे तीन वेक्टर था ए बी सी, किसी का भी वेक्टर का डायरेक्शन हम किसी से भी दिखा सकते हैं। सी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी आई टू ए कैप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी और ए का डायरेक्शन सेम है। क्लियर बात हुआ? ऐसे जनरली क्या लिखेंगे हम कि सी कैप, सी का डायरेक्शन उधर ही है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज किया जाता है, आगे काम आने वाला है। तीन को कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर आपको देता है इस तरह से कि वेक्टर ए है, तो हम बोल सकते हैं इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को कि मॉड ऑफ वेक्टर ए आई इनटू आई कैप। ये आई कैप क्या हुआ, स्टैंडर्ड वेक्टर। जहां भी आई कैप लग गया इसका मतलब कि ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्स के डायरेक्शन में है। तो आई कैप किसके लिए यूज करेंगे, आई कैप हम यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए। इसका होता है जे कैप, जे कैप को किसके लिए यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए। और यहां पे होता है के कैप, के कैप को किसके लिए यूज करेंगे, जेड डायरेक्शन के लिए। आई तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड वन है और तीनों एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो कोई भी वेक्टर अगर दिया एक्स में तो हम यहाँ पे आई कैप लगा देंगे, वाई में रहेगा तो जे कैप लगा देंगे, जेड में रहेगा तो के कैप लगा देंगे। तो यूनिट वेक्टर भी क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आएगा वो कूलम्स लॉ पे टोटली डिपेंड होगा, उस पर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होगा। तो आप वेक्टर को क्लियर करके आना ताकि सवाल बनेगा, आप उससे सवाल बनाना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको, अगला क्लास में उसको सोल्व करके हमको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, उसके बाद उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे भी। एनसीईआरटी सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुल मिला के तो ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है ही, तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ सकता है। देखो गवर्नमेंट से का अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि अभी स्कूल स्कूल खुलने वाला है नहीं, कोई कोचिंग नहीं खुलेगा, और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को आप ऐसा अडेप्ट करना सीख लो कि अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है वो आपको देख ही रहे हैं, 30 करोड़ के आसपास जॉब जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोरोना के कारण तो नुकसान हो ही रहा है, इसके बाद बेरोजगारी झेलना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा दर्द देगा। तो उस दर्द से बचने के लिए अपना स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, पढ़ लिखिए, पढ़िए लिखिए, एक एक वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही बनाया जा रहा है। और जितना पॉसिबल हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू होता रहे, तो सपोर्ट आपका मिलना जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।